हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ क्विक अपडेट फॉर ऑल ऑफ यू। स्लॉट टू एंड स्लॉट थ्री में एक एक डीएलआर पजल के एक क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी आया है और उनको नलीफाई कर दिया गया है कि उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा इन द मार्किंग फॉर स्लॉट टू एंड स्लॉट थ्री स्टूडेंट्स। तो स्केलिंग में ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट पड़ेगा। अब वो किस तरह से स्लॉट वन और स्लॉट टू और स्लॉट थ्री तीनों को कंबाइंड जो है वो स्केलिंग पे लेके आने वाले हैं, ये चीज़ देखने में काफ़ी सरप्राइजिंग हो सकती है कि कैसा सिनेरियो बन के सामने आता है। बट एज ऑफ नाउ उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। अभी के लिए जो अपडेट है कि ये क्वेश्चन बहुत से लोग कह रहे थे कि यार इसका आंसर 40 हो सकता है, कुछ लोग कह रहे थे 30 हो सकता है, हमने डिस्क्रिपेंसी के लिए डाला था और अल्टीमेटली निकल के आया कि यार ये जो आंसर है ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है तो इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। स्लॉट थ्री के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुआ, बट एक और क्वेश्चन था स्लॉट टू के ऊपर, उसका भी लैंग्वेज प्रॉब्लमेटिक था, उसमें भी डिस्क्रिपेंसी जो है वो आया है। ये क्वेश्चन है वो सामने, इफ़ द लास्ट लोकेशन विजिटर्स इज अहमदनगर देन व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन द रूट। अगर इस आंसर को वो करेक्ट मानते तो बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी इन्वॉल्व था इस क्वेश्चन में। अल्टीमेटली इस क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम ये है कि यार अहमदनगर में लास्ट में पहुंच ही नहीं सकता था। अगर हम जो कंडीशंस गिवन है उनको लेकर चले तो उन कंडीशंस के हेल्प से अहमदनगर पे कभी पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 50 और 70 वैल्यू था। जिन्होंने सॉल्व किया हुआ दे कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट, 50 और 70 था यहाँ पर, 40 और 60 था यहाँ पर, 30 और 50 था यहाँ पर, 70 और 100 था यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे 50 और 70 वैल्यू है, यहाँ पे 30 और 50 वैल्यू है, यहाँ पर 40 और 60 वैल्यू है, तो एंड में कभी भी ए आ ही नहीं सकता था। तो दैट इज़ वाई ये क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक था। अल्टीमेटली स्टूडेंट्स ने डाला इसको भी डिस्क्रिपेंसी के लिए कि यार इसमें प्रॉब्लम है, और ये क्वेश्चन भी एज अ इनवैलिड क्वेश्चन फाइंड आउट हुआ है कि यार ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा स्टूडेंट्स की मार्किंग के लिए। क्लियरली मैंशन है, नोट फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसीज इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल द कैंडिडेट। स्लॉट टू एंड स्लॉट थ्री में एक ही क्वेश्चन डीएलआर का नलीफाई हो गया है। सो दिस इज द अपडेट फॉर ऑल ऑफ यू। स्केलिंग में क्या होगा क्या नहीं होगा, एज ऑफ नाउ देर इज नो अपडेट एट ऑल। जैसे कोई अपडेट आता है उसके बारे में हम लोग जरूर आपको कन्वे कर देंगे। दैट विल बी ऑल, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय।